नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कैपेसिटर के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो ये 8 का कैपेसिटर है दोस्तों, और 6 के भी होते हैं दोस्तों, इससे बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, 10 के भी होते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर का यूज़ हम मोटर में जो इलेक्ट्रिकल चीज़ होती है उसमें करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पंखा हो या फराटा हो दोस्तों, या मोटर हो, उसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर का काम ये है कि ये झटका देता है, यानी जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं उसमें फेस न्यूट्रल देते हैं, तो दोस्तों उसमें कैपेसिटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्रेसर में भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, यानी सेल का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों सभी में अलग अलग नंबर के कैपेसिटर होते हैं। किसी में जैसे स्पिन मोटर में 4 का लगता है, 6 का भी ला सकते हैं दोस्तों, और जो फास्ट मोटर है दोस्तों उसमें 8 का लगता है, 10 का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके नंबरों के हिसाब होते हैं, यदि बड़ा या छोटा लगा दें कैपेसिटर तो मोटर फूक सकती है, ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 8 नंबर का है, और जो इसकी कंपनी है दोस्तों नेफ्यूरोन मैक्स की कंपनी है, और कैपेसिटर 8 का है, 8 UF का है दोस्तों ये, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो ये 8 नंबर का है, और नीचे जो देखा है ये 3.25 का है, यानी 3.15 MFD का, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं सभी में अलग अलग प्रकार के नंबर जो होते हैं, अलग अलग कंपनी के भी होते हैं दोस्तों, और नंबर भी अलग होती है। थैंक यू दोस्तों।